नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर में शिक्षा व्यवस्था नहीं हो रहा सुधार। बिहार के अपर मुख्य शिक्षा सचिव के पाठक के लाख प्रयास के बावजूद अभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। श्री पाठक के कई नए फरमान रोज जारी हो रहे हैं, उसके बावजूद शिक्षक सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत श्री चंद्रिका दास संस्कृत उच्च विद्यालय व महाविद्यालय में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। शिक्षक अपने मनमानी रवैया से बाज नहीं आ रहे हैं। इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित चार लोग कार्यरत हैं। एक भी कमरा विद्यालय में सही स्थिति में नहीं है, जो है उसमें जंगल झाड़ व पेड़ लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे के प्रतिनिधि ने विद्यालय में निरीक्षण करने गया तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक व एक शिक्षक अपने सही समय पर नहीं पहुंचे हुए थे। काफी देर इंतजार करने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेंद्र झा लगभग 12:30 पर पहुंचे। उनसे जब विद्यालय की शिक्षण के बारे में पूछताछ की गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए ना कमरा है ना बेंच है। इधर शिक्षा सचिव श्री पाठक कहते हैं कि विद्यालयों में अति आधुनिक सुविधा दी जाएगी, लेकिन उनका कहना यहाँ टाइफिश नजर आ रहा है। संवाददाता ने स्कूल के प्रधानाध्यापक महेंद्र झा से देर से आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने मुंह को बंद रखा और कुछ भी बताने से इनकार किया। यह विद्यालय एक बहुत बड़े संत श्री चंद्रिका दास जी के द्वारा स्थापित की गई है। भोजपुर जिला संवाददाता विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। झा जी लेट क्यों है विद्यालय में? प्रसादी खाए आप 3 घंटा आज 12:30 आए हैं विद्यालय में क्यों आए हैं, ये जवाब दीजिए। रुका यार, रुको, पहले हेडमास्टर साहब से बात कर रहे हैं। यहाँ के आज हम पत्रकार के रूप में पूछ रहे हैं। बोलिए, आप 3 घंटा लेट आए हैं, कारण क्या है? जो भी कारण है बताइए। नहीं बता रहे हैं, आपका बात रिकॉर्ड हो रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। 3 घंटा आप लेट हैं। के पाठक का निर्देश है कि 1 सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आप जो हैं 3 घंटा लेट आए हैं। अगर मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति होता, चाहे होता किसी को प्रभार भी देके गए होते, तो इस तरह का कोई बात नहीं। बताइए आखिर मामला क्या है? गाड़ी खराब हुई तो क्या खराब हुई थी 3 घंटा लेट? इसका मतलब आप एकदम समय से ही चले थे कि हम जाएंगे, 3 घंटा लेट होगा, ये आपका रोज का रूटीन है, ये भी मान के चलिए।